दिल्ली में नए मुगल सल्तनत आई है, मैं मुगल सुल्तान। जिस तरह से भाजपा गंदी राजनीति कर रही है, मुझे लग रहा है कि पहले अपने ही घर में उनको झांकना चाहिए। भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस कहा जाता है, लेकिन उसको भी पार करने का काम अरविंद केजरीवाल जी ने करने का किया। आज जन जन में एक क्लैरिटी आ गई है कि किस तरह से दिखावा कुछ और था, रियलिटी कुछ और। गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है, सीधे रास्ते की ये टेढ़ी ही चाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है, गोलमाल है भाई सब गोलमाल, गोलमाल है भाई सब गोलमाल, गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा, धरती पुत्र आप देख रहे हैं। जोरदार ताली बजा दीजिए भाई साहब, आज आप लोगों की बारी है, क्योंकि गोलमाल है मुफ्त के चंदन घिस मेरे नंदन। आज इस पर जवाब आपसे लेंगे, पूछेंगे कि आप लोग क्या सोच रहे हैं। आप लोग टाइम्स ऑफ भारत देख रहे होंगे और दिल्ली के मुख्यमंत्री पर जो हमने ऑपरेशन शीश महल चलाया वो भी आपने देखा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। 45 करोड़ रुपए कहां कहां खर्च हुए ये अब आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। लेकिन आज भाई साहब, आज दरवाजा खुलेगा शीश महल का, अरविंद केजरीवाल आज सुनेंगे और जनता बोलेगी। आम आदमी जिसके कंधे पर सवार होकर दिल्ली के मुख्यमंत्री पद पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, आज वो सुनेंगे कि आम आदमी क्या कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, क्रॉट प्लेस ही नहीं, आपको बता दूं दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे रिपोर्टर हैं, उनके पास आपको लेकर चलेंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देता हूं कि कैसे बौखलाए हुए हैं कुछ लोग, कैसे परेशान हैं, क्या हो गया आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को, क्या हो गया भाई साहब। माइक छीनकर भाग रहे हैं, हमारे सहयोगी कुंदन पहुंचे थे बात करने के लिए, सवाल जवाब करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता से। हुआ क्या पता है आप लोगों को, माइक ही छीन कर भागने लग गया, और जब माइक हाथ में नहीं आया तो दौड़ लगा दी भाई ने। उसको पता था कि सवाल का जवाब हमारे नेता नहीं दे पा रहे, हम क्या कर पाए। तो ये देखिए, सुनिए जरा, सुनिए जरा, अतिथि मुख्यमंत्री के जो सुनिए, देखिए कुंदन हमारे सहयोगी हैं। 45 करोड़ रुपए का जो रिनोवेशन का सवाल है, अतिथि मुख्यमंत्री का 45 करोड़ रुपए का जो रिनोवेशन का सवाल है, हट 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 पलट के फोड़े, वीडियो वीडियो बनाओ, कारकर से वीडियो बनाओ इसका, ये कौन कारकर, अतिथि मुख्यमंत्री के जो सवाल, किसी मुख्यमंत्री का 45 करोड़ रुपए का जो रिनोवेशन का सवाल है, हट 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 पलट के फोड़े, वीडियो वीडियो बनाओ, कारकर से वीडियो बनाओ इसका, ये कौन कारकर, अतिथि मुख्यमंत्री के जो सवाल। देखिए भाई साहब, यहाँ कोई माइक छीनकर भागने वाला तो नहीं है, बता दो। मैं भागने के लिए नहीं कहूंगा और माइक छीनने के लिए भी नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा जो बोलना है बोलो, क्योंकि ये धरती पुत्र का सेट है, यहाँ पर ऐसे ही होता है। कुंदन के पास चलता हूँ जरा, देखिए तस्वीरों में आप देख रहे हैं कुंदन को, हमारे सहयोगी है। कुंदन जरा क्या हुआ था जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि आज देश भर के लोग नव भारत देख रहे हैं, उनको पता है कि 45 करोड़ रुपए कहाँ कहाँ खर्च हुए हैं। बिल्कुल विद्या, ठीक यहाँ से ठीक थोड़े देर दूर जंतर मंतर पे दो बड़े मंत्री आए थे, तीसी मार्लिना और सौरभ भारद्वाज, और हमने लगातार उनसे कोशिश की और बहुत सिंपल सा सवाल हमने जानने की कोशिश की कि आखिर उस रिनोवेशन पे पार्टी के मंत्रियों का क्या कहना है। आपने देखा, मैं आपको बताऊं, आपने एक कंटेंट दिखा रिपीटेड, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से, दो तीन लोग आते थे मेरा माइक पकड़ के और छीन के भागने की कोशिश करते थे, हटाने की कोशिश करते थे। जब मैंने उनसे पूछा आप कौन हो, वो कहते थे बदतमीजी कर रहे हैं। अरे भाई, हम कहां बदतमीजी कर रहे हैं, हम तो बहुत सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं। उनके मन मुताबिक सवालों पे आपने देखा होगा कि लगातार अतिथि मारीना से लेकर और सौरभ भारद्वाज ने लगातार जवाब दिया, लेकिन जैसा ही सवाल हमने जनता का सवाल पूछा तो है ही भाई साहब, बदतमीजी है अनुजा जी, है सवाल पूछ लीजिए, बदतमीजी हो जाती है। मैं भी अभी सवाल जैसे पूछूंगा ना,
कुंदन बहुत बहुत शुक्रिया कुंदन, बने रहिए आपके पास लौट कराऊंगा। और मेरे बाकी सहयोगी भावना किशोर सरोजनी नगर से, शिवानी शर्मा चांदनी चौक से, हिमांशु तिवारी लक्ष्मी नगर से और सुनीता आर्या इंडिया गेट पर मौजूद हैं, सबके पास आपको लेकर चलूंगा। और अरविंद केजरीवाल जी आप दरवाजा खोल दीजिए, नहीं तो जनता को सुन लीजिए और सुन लीजिए कि जनता क्या कह रही है, कैसे आम आदमी से आप खास आदमी हो गए, कैसे 4.5 एकड़ के करीब जो आपका आवास था वो 7.5 एकड़ मतलब दुगुना हो गया, समझ रहे हैं आप, पता है ना, देख रहे हैं ना, देख रहे हैं आप लोग कि नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं भाई सब, इधर भी देख रहे हैं, इधर भी दिखाइए जरा, ये देखिए आज तो ज्यादा ही लोग आए हैं, मुझे लगता है ज्यादा लोग देख रहे हैं, है ना। चलेंगे अपने सहयोगियों के पास, लेकिन जरा एक बार मेहमानों से मिलवा देता हूं। अनुजा कपूर हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, अरविंद सिंह जी हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, करण वर्मा है पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, निकिता चावला जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ, प्रभात कुमार जी हैं कांग्रेस के लीडर, राहुल लाल जी हैं हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट, संजय मिश्रा जी हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट। और आज शुरुआत करण आपसे करता हूं, वैसे शुरुआत तो इनसे करनी चाहिए थी कि आरोप लंबे लंबे ये लगा रहे हैं, सवाल हम पूछ रहे हैं, जवाब देना है इधर भाई साहब को, लेकिन आपसे ही शुरुआत करता हूं, आ रहा हूं। देखिए दिल्ली के नटवर लाल के बारे में, भाई मैं तो लेखक आदमी हूं, 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूं आप सबको। आया था वो मफलर पहन के, याद है ना, मफलर पहन के आया था वो, मफलर पहन के रहता है अब सेठ बन के, झांसा दे गया सबको, क्या झांसा दे गया सबको, तो मरो पर एक बात जान लो प्यारे, ये जनता है, तुम्हारा गुरूर तुम्हारा महल तो शीशे का है, टूट जाएगा, तुमने हमारा विश्वास तोड़ा, हम तुम्हारा घमंड तोड़ेंगे, पहले दिल से और फिर दिल्ली के तख्त से उखाड़ के तुम्हें बाहर फेंकेंगे। जनता भी क्या यही सोचती है, आज मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप लोगों से बात करना चाहता हूं, आराम से उठिएगा, घबराइए नहीं, गिरना नहीं है, संभल के रहना है, एकदम चौचक चौकस रहना है ना, रहना है कि नहीं रहना है, और ये देखते रहना भैया आम आदमी रह गया और खास कौन हो गया, क्या कौन खास हो गया जी, कौन खास हो गया, आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल गई, आम आदमी ही रह गया कि नहीं रह गया, बिल्कुल रह गया। केजरीवाल जी ने 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, उनका घर देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? बिल्कुल दिखाइए, ये दिखाइए दिखाइए क्या जी, बिल्कुल देखना चाह रहे, क्या क्या देखेंगे घर में, पूरा घर देखेंगे कैसे बनाया क्या बनाया, हम लोग को भी तो देखना बहुत जरूरी है, तभी वो टॉयलेट भाई साहब सोचिए जरा, अपने आप खुशबू भी आती है और पानी भी अपने आप, कितना चाहिए नहीं चाहिए, सब ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है अनुजा जी, सब ऑटोमेटिक चल रहा है। पहले मैं जनता की तरफ से टाइम्स नाउ को धन्यवाद देती हूं कि आपने हिम्मत करी जो नहीं कर पाया, और आज दिखा दिया, हूबरू कर दिया कि अरविंद केजरीवाल की नीयत क्या है, और है वो नीयत से, वो किस नीयत से आया था, और जो शीला दीक्षित के बाथरूमों की बात करता था, एसी की बात करता था और इलेक्ट्रिसिटी की बात करता था, आज अरविंद केजरीवाल जी से पूछिए आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल कौन भर रहा है, कौन भर रहा है आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल, आपके जो वो पॉट में पानी आता है वो पानी का बिल कौन भर रहा है, जरा बताइए तो सही, क्योंकि आज जनता पूछेगी कि जिस दाव पेच पे आप आए थे और आपने कहा था हम तो कुछ नहीं लेंगे, हम तो नीचे जमीन पर रहेंगे, अरे वो रजाई जैसा लेकर जनवरी में याद है, अरे भाई साहब ड्रामा करने में नंबर वन। अच्छा एक चीज अनुजा जी, आप बात पूरी कीजिए, मैं मेरे मन में एक सवाल है, मेरे मन में सबसे पूछूंगा, मैं आप लोगों से पूछूंगा, कभी आप लोगों ने 5 लाख 4 लाख 7 लाख का कंबोर्ड इस्तेमाल किया ऑटोमेटिक वाला, क्या है क्या, आप भी तो बीजेपी की बड़ी प्रवक्ता है, डॉक्टर भी है, खाना तो रोटी खाते हैं या कुछ और खाते हैं? अब मुझे तो समझ में नहीं आता कंबोर्ड में क्या होगा, ठीक है लेकिन समझ में आता है क्या होगा उस कंबोर्ड में, पर्दे में क्या होगा, क्या पर्दे से ऐसे लिपट जाएंगे तो मजा आ जाएगा है? करोड़ों का पर्दा भाई साहब, 8-8, 7-7 लाख रुपए का पर्दा, 7 लाख रुपए में तो घर घर बना लेते हैं भाई साहब, हम लोग गरीब लोग भाई साहब,
घर है आपके पास? हाँ है। कितने का बनाया? इतने ही में, 8-10-12 लाख रुपए में। 10-12 लाख रुपए में आपके पास घर है? जी हाँ। कितने में बनाया? 10-12 में। 10-12 लाख में। आप तो छोटे हो, अभी दाढ़ी मूछ निकली है, घर नहीं बनाया। आपने घर बनाया? कितने का घर बनाया? 3 लाख का। 3 लाख का घर बना भाई साहब? 3 लाख का? 3 लाख का कैसे बन सकता है घर? करोलबाग में बन गया है। करोलबाग? अरे 5 लाख का कंबोड आ रहा है, 3 लाख में घर बन गया? हाँ उनका पता नहीं वो। ये गजब है भाई, हमारा देश भी गजब है। मिश्रा जी जल्दी से जवाब दीजिए। जल्दी से कैसे देंगे सवाल, इतना जवाब कैसे देंगे सर? थोड़ा वक्त तो दीजिएगा जवाब। लपेटने में वक्त जाया मत कीजिए, जल्दी से जवाब। तो कह दूं कि हाँ 45 करोड़ बस घोटाला कर दिया के जवाब बोल दूं? बोल आपकी इच्छा है भाई साहब। नहीं राजा जी, आपको यही सुनना था। आप कहना चाहते तो बोल दीजिए, हम तो रोकते ही नहीं है भाई साहब। रोकते हैं क्या? नहीं रोकते हैं। टाइम जाया ना कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अरविंद केजरीवाल एक मुख्यमंत्री है, दिल्ली एक प्रदेश के मुख्यमंत्री है, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आज नेशनल पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी, आम जो पार्टी का आज दिल्ली के अंदर मकान बना है वो अरविंद केजरीवाल का मकान नहीं है, वो सरकार का मकान है, पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाया गया मकान है और किसी भी मुख्यमंत्री। जोर से ताली बजा दो भाई। अब मैं जरा सुनिए भाई साहब, एक सेकेंड। करण घर है आपके पास? बिल्कुल है जी, घर है। मेरे पास भी घर है, आपके पास भी घर होगा? आपके पास? रुक जाओ यार, मैं सबके पास आऊंगा, आज जरा क्लास लेनी है भाई। रुक जाओ एक सेकेंड। ना ना ना, आज ऐसे नहीं, आज बदमाशी नहीं चलेगी। हाँ सुनो, जवाब ही सुन लीजिए भाई साहब। मैं जरा दर्शकों से मुखातिब हो जाता हूँ, उसके बाद एक बार रिपोर्टर्स के पास चलूंगा कि भाई साहब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री है, इसमें कोई दोराय नहीं है। अरविंद केजरीवाल जिस घर में रहते हैं वो उनकी प्रॉपर्टी नहीं है, इसमें भी कोई दोराय नहीं है। लेकिन किसने कहा कि करोड़ों का पर्दा लगवाओ? विद्यानाथ जी गए थे कहने के लिए, ये भाई साहब आप गए थे कहने के लिए? नहीं, शीला दीक्षित जी के बारे में जब ये बोलते थे तो वो घर क्या शीला दीक्षित जी का था? ये दुष्प्रचार करके और दुर्भावनावश शीला दीक्षित जी के बारे में जैसी भाषा इन्होंने बोली थी। तो शीला दीक्षित क्या? अरे 45 करोड़ का रेनोवेशन कराया था। अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, किसी का बिजली बिल पूछ रहे थे ना, आज बता दो ना मिश्रा जी, आज बताना पड़ेगा। पूरी मुख्यमंत्री नहीं थी क्या? आधे प्रदेश की मुख्यमंत्री थी कि गरीबों की तरह रह रही? वो घर भी तो मुख्यमंत्री आवास। जल्दी जवाब दीजिए मिश्रा जी। देश के आज के जो प्रधानमंत्री जी के जो मकान बन रहा है क्या इसके? अरे यार इस सब पे मत जाओ, फालतू में घुमाएंगे जोर जोर से। हाँ जी हाँ। तो मैं केजरीवाल के ऊपर कहना चाहता हूँ, केजरीवाल ने दिल्ली की जनता के साथ किया विश्वासघात और जनता कभी नहीं करेगी इनको माफ। भाई साहब जनता कभी नहीं करेगी माफ। अरे बहुत न... ये देखो, ये आदमी को जरा एक बार दिखाओ, इस आदमी को दिखाओ, गौर से देखिए इस आदमी को। ये रोज ऐसी बोलते हैं लेकिन अच्छा बोल, को गर्मी लग रही है। आपके पास भी आऊंगा मैडम, आपसे भी पूछूंगा हाँ कि क्या हो रहा है दिल्ली में, दिल्ली का मौसम बदल रहा है। एक बार रिपोर्टर्स के पास जा रहा हूं मैं, जरा देखिए अलग अलग इलाके में हमारे रिपोर्टर्स हैं। भावना सरोजनी नगर में मौजूद हैं और शिवानी शर्मा है चांदनी चौक में, हिमांशु हमारे साथ, सुनीता है, भावना किशोर। सरोजनी नगर की जनता क्या कह रही है? उनको पता है कि 45 करोड़ रुपए कहां कहां खर्च हुए हैं, लेकिन देखना नहीं चाहती कि घर में कैसे कैसे पर्दे लगे हैं, कैसे कैसे कमबोर्ड लगे हैं, कैसे कैसे फर्श लगे हैं, टाइल्स कहां से आए, चाहती है कि नहीं? बिल्कुल विद्या, जिस तरह से लाखों में पर्दे लगे, इस वक्त हम सरोजनी नगर मार्केट में मौजूद है और देश के कोने कोने से लोग आते हैं, पर्दे खरीदने भी आते हैं और यहाँ पर पर्दों का क्या रेट है फटाफट से जान भी लेते हैं और लोगों की राय जानते हैं कि ऑपरेशन शीश महल को लेकर उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। आप बताइए मुझे, आपका नाम क्या है और पर्दे बिकते हैं आप ना बहुत? मैं उमदे शर्मा, यहाँ 150-200 वाला पर्दा है, पर हमारे दिल्ली के सीएम साहब का 8,000 का पर्दा, लाखों में 8 लाख का पर्दा, 40-45 लाख का घर बन रहा है, बाथरूम देखो, और आम आदमी 45 करोड़ रुपए खर्च किए गए भाई साहब हटिए। आप बताइए, आपने देखा होगा ऑपरेशन शीश महल, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मसले पे? मैडम ये तो वही बात है कि करनी और कथी में बहुत फर्क होता है। उन्होंने कहा था हम बंगला नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, आज ये पता चल रहा है कि लोगों का पैसा है, सब जो टैक्स पेयर कर रहे हैं सब उनका पैसा है, कोई उनको केजरीवाल को तो 40 करोड़ रुपए मिल नहीं रहे, सब टैक्स पेयर हैं। अच्छा घर में दोस्तों में क्या कुछ चर्चा है इसको लेके? हाँ ये है कि जो उन्होंने बोला था कि भाई हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सब नहीं, जो बोला था वो नहीं किया। आप क्या कहना चाहेंगे? जो बोला वो नहीं किया, 45 करोड़ रुपए लगा दिए घर में। मैं ये, मेरा नाम दिनेश कुमार दीक्षित है, मैं टाउन बैंडिंग कमेटी मेंबर NDMC से हूँ। मैं ये कहता हूँ कि केजरीवाल साहब ने वास्तव में आता हूँ लौट के आपके पास और बाकी सहयोगियों के पास भी आऊंगा। बोलो आज बोलो, आज बोलो। मैं इनसे कहता हूँ, कहते प्रधानमंत्री का बंगला देखो भाई साहब, किराया
शीला दीक्षित जी को गाली देता थे अपने बंगले में क्या करा। दरवाजा खोलिए केजरीवाल जी, केजरीवाल जी दरवाजा खोल दीजिए, देश को दिखा दीजिए, दिल्ली को दिखा दीजिए, इतने महंगे पर्दे कैसे होते हैं, देश को दिखा दीजिए, बता दीजिए 5 लाख का कमबोर्ड 4 लाख का कमबोर्ड कैसे होता है, ऑटोमेटिक पानी कैसे आता है। इस बात में तो हंसी आ जाती है। हाँ, एक राहुल जी के पास आ जाए तो निकल गया। देखिए एक प्रतिस्पर्धा की स्थिति चल रही है दिल्ली में। मैं कह रहा हूँ छोटे सरकार और बड़े सरकार में कंपटीशन चल रहा है। हाँ। आपने देखिए बाकी पूरा नहीं होने दिया, मैं तो पूरा कर दे रहा हूँ। हाँ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में प्रधानमंत्री का घर जो है वो 467 करोड़ का वो बनना है। वो बन प्रधानमंत्री ने कभी कहा था गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। तो मैं बता रहा हूँ कॉम्पिटिशन चल रहा है। धोखा दिया क्या नहीं दिया भाई? मैं कह रहा हूँ कि अच्छी बताए उनके घर के रिनोवेशन के लिए, प्रधानमंत्री के घर के रिनोवेशन के लिए 89 करोड़ रुपया खर्च हुए। ये अपने घर के रिनोवेशन के लिए 45 करोड़ का खर्च कर रहा है तो ये आम ये तो आम आदमी क्या क्या। अरे सवाल पैसा खर्च करने का नहीं है यार, सवाल तो पैसा तो खर्च होता ही है हम लोगों का, हमारी जेब से जो निकलता है वो खर्च होता है। सवाल ये है कि आपकी नियत कैसी थी, आपने क्या कहा और क्या किया। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इन लोगों ने 40 से 50 दिन पहले 6 नवंबर 2020 को इन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी थी रेनोवेशन के नाम से। ये झूठे लोग रेनोवेशन के नाम से कंस्ट्रक्शन शुरू करी, उसके बाद 18 दिसंबर को इनका अप्रूवल हुआ, DUAC ने करा दोबारा, इनसे पूछने गए। आप मुझे बताइए कि चीफ सेक्रेटरी जो है, चीफ इंजीनियर और सेक्रेटरी को इन लोगों ने और LG को बनाने के टाइम पे, कंस्ट्रक्शन बनाने के टाइम पर बाहर क्यों रखा उस वर्क ऑर्डर से? 6 बार वर्क ऑर्डर गया, इन्होंने उससे बात नहीं करी। और अपने 9.99 करोड़ इतने के अंदर इन्होंने 10 करोड़ के अंदर रखा ताकि LG के पास ना जा पाए। ये यही चाहते थे कि LG के कानों में खबर ना पहुंचे। और एक और चीज, अब इन्होंने अपना ऑफिस 4.7 और 2.7 एकर्स के अंदर और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी को बोलिए, दोनों का बराबर है, आपका भी देखा जाएगा। आपका भी देखा जाएगा जो 5 स्टार 7 स्टार ऑफिस बनाया है। सवाल उस पर भी होगा। और सुनो, केजरीवाल जी की एक बात से मैं सहमत हूँ आपकी, इनकी नीयत में खोट है। अगर नीयत में खोट नहीं होती, मतलब दूसरे पे आरोप और खुद पे पड़ा, तो भैया सब कुछ ठीक है मुख्यमंत्री का। भाई साहब एक बार बताओ, जब गठबंधन कर रहे थे अच्छा दिल्ली में, कांग्रेस का जब गठबंधन हो रहा था, तब केजरीवाल भा रहे थे। हाँ एक सेकंड, पूछना इनसे खड़गे साहब काहे गए थे। खड़गे क्या बोले, सोनिया गांधी क्या बोली, हम तुम्हारे साथ हैं मियां, हमें साथ लाई चलो, बोले थे ना, बोले थे कि नहीं अरविंद केजरीवाल के लिए बोले थे। एक बार करेंगे, एक बात बता दूं, एक सवाल इन लोगों ने बार बार उठाया है, जनता को जरा पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री के घर पे इतना खर्चा क्यों। आज आप सबको एक बात बता दूं, 125 लोगों के रहने की फैसिलिटी उसमें होती है। अगर देश के ऊपर एक न्यूक्लियर हमला हो जाए, प्रधानमंत्री हेड ऑफ द स्टेट होता है। केजरीवाल को कौन सा न्यूक्लियर खतरा है? केजरीवाल कौन सा पाकिस्तान को चुप रहा है? ये तो नतमस्तक हुआ है केजरीवाल को, वहां पे एक न्यूक्लियर कमांड। सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप भी बोलिएगा मेरे भाई। 150 लोगों, अगर वॉर की स्थिति हो जाए, प्रधानमंत्री का घर एक बंकर में तब्दील हो जाता है, जहां न्यूक्लियर हमला हो, सैनिक हो, एडवांस सिस्टम हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के, वो सारी सुविधाएं जो करीब 100 के 100 करोड़ में जाती है वो वहां होती है, जो कि देश के प्रधानमंत्री हर न्यूक्लियर पावर, चाहे रशिया हो चाहे चाइना हो, वहां सब जगह है, इनको ये पता नहीं है। एक सवाल ये भी है कि अरविंद केजरीवाल के नाम पर आप लोग हंगामा क्यों काट रहे हैं, बीजेपी वाले हंगामा क्यों काट रहे हैं? भाई जब एक घर में 15 घुसलखाने हो, 15 टॉयलेट हो, उसको हिंदी में भी बताइए और अंग्रेजी में। टॉयलेट कहते हैं भाई, घुसलखाना मैंने कह दिया, हम तो भाई यूपी से आते हैं। 15 घुसलखाने एक में लग रहा खुद ही घुसे हुए हैं, मुंह छुपाए घूम रहे हैं भैया। एक सेकंड मैं आ रहा हूँ, एक सेकंड जरा जनता से भी पूछ लेता हूँ। जानना है अरविंद केजरीवाल का घर के दरवाजे खुलवाना कि नहीं खुलवाना? जरूर खुलवाने हैं। क्या क्या देखना चाहते हैं? वो बाथरूम देख, 15 घुसलखाने देखने हैं, उनके पर्दे देखने हैं, जो वो सब। क्या कहना चाहते हैं आप अरविंद केजरीवाल से, बताइए आज। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, भूल गया भाई जी। यहाँ इसी प्रोग्राम में मैंने ये कहा था, एक बच्चा जो बीमार था उसको
18.5 करोड़ चाहिए थे। मैंने कहा था कि दिल्ली गवर्नमेंट को 10 करोड़ रुपए उस बच्चे को दे देने चाहिए इलाज के लिए। 10 करोड़ अगर उसको मिल जाते तो उसकी जान बच जाती। ठीक बात है, 10 करोड़ रुपए में तो पता नहीं क्या क्या हो जाता भाई साहब, मालूम है ना। हाँ जी, इतना चोट पहले कहाँ से खा के आए हो, तुम्हारे मुंह से अभी भी बदबू आ रही, आज भी दारू पी के आए हो। मैं ये पूछ रहा हूँ केजरीवाल जी का पर्दा देखना, बस घर का ओपन डोर ओपन कर दे। कल सुशांत सिंह जी कह रहे थे डोर ओपन कर दे, हम लोग क्लियर हो जाएंगे, हम देख लेंगे क्या 45 करोड़ लगाए, 45,000 करोड़ लगाए। टूटे हुए टूटे हुए मुंह से जाओगे तो कैसे एंट्री। नहीं तो वो क्या होता, आम आदमी है ना वो, आम आदमी तो आम आदमी है। गड्ढा बना रखे हैं सड़क पे, गड्ढा बना रखे, गाड़ी आकर तोड़ के मारती है सड़क पे, गड्ढा होता क्या, किसी में चोट लगी है और कहाँ लगेगी। ठीक है, एक मिनट रुकिए जरा, बाकी रिपोर्टर्स भी हमारे साथ है, रुकिए एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब, कमांड आ गया है, बाकी रिपोर्टर के पास चल रहा है। शिवानी शर्मा चांदनी चौक में मौजूद है और चांदनी चौक में इस वक्त बहुत भीड़ रहती है। शिवानी कौन कौन है आपके साथ, और आज उनसे बोलिए कि खुलकर वो बोले कौन क्या बोलना चाहता है अरविंद केजरीवाल पर, उनके शीश महल पर और नव भारत के इस ऑपरेशन पर। देखिए चांदनी चौक का पहले नजारा आपको दिखा दूं, बहुत भीड़भाड़ वाला इलाका है और चांदनी चौक की जो जनता है वो वाकई में हैरान है कि केजरीवाल का घर 45 करोड़ का कैसे बना हुआ है, ऐसा क्या है उसमें खास। केजरीवाल जी का घर आप देखना चाहते हैं? बिल्कुल देखना चाहते हैं, इतना पढ़ते 10 करोड़ के 10 लाख के आपने देखे कभी? 10 लाख का तो नहीं देखा है, 100 का देखा है, 100 रुपए का देखा है। आम आदमी के घर में, आपके घर में कितने रुपए के पर्दे लगे और यहाँ आप क्या खरीदारी करने आए? नॉर्मल पर्दा हम लोग क्या में। आम आदमी है, आम आदमी का मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है कि कुछ नहीं लेंगे और उसके बाद उनके घर में 45 करोड़ खर्च हो गए, क्या कहेंगे इस पर? ये तो कुछ नहीं कह सकते इस चीज पर, अब ये तो उन्हीं को पता कि इतनी महंगी कीमत उनके लिए क्या वजह है क्या नहीं है। आम जनता का पैसा है, आप क्या बोलेंगे? आम जनता का पैसा केजरीवाल जी के घर में लगा हुआ है, 45 करोड़ का रेनोवेशन हुआ है, आपको क्या लगता है सही है? देखिए अगर केजरीवाल जी के हिसाब से देखें तो उनके हिसाब से सही है, वो भी आम आदमी और आम आदमी का पैसा आम आदमी यूज कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये हो सकती है। बहुत बढ़िया आपने बात कही कि आम आदमी का पैसा आम आदमी इस्तेमाल कर रहा है, केजरीवाल आम आदमी का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके घर में जो पर्दे लगे हैं जो सोफे लगे हैं वो करोड़ों के हैं। आपने देखे, आप बैठे हैं कभी आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं उनके घर में इस तरह की चीजें महंगी? अंदर में आम आदमी पार्टी अच्छा है, मोदी बड़ा मुश्किल, मोदी मुश्किल। आप बताइएगा कि आप आइएगा, आप बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि क्या होना चाहिए? जो पैसा यहाँ पर लगा है वो टैक्स पेयर का पैसा है, आपका और हमारा पैसा है, 45 करोड़ का घर उन्होंने बनाया है, क्या ये वाकई सही बात है? बिल्कुल गलत बात है, क्यों बना लिया, क्यों खागा जनता के पैसे? आप क्या बोलना चाहेंगे, आप कभी घर बनाएंगे? कितना बड़ा घर बनाना चाहते हैं और कितने पैसे? घर बड़ा या छोटा नहीं होता है, घर सबका अच्छा ही होता है, सबका अपना ही होता है, चाहे वो 15 लाख का बने, 1 करोड़ का बने या जिसका भी बने। मैं ये कहना चाहता हूँ 45 करोड़ का घर बना है, ठीक है, 45 करोड़ का, ठीक है शिवानी, ठीक है, मैं आऊंगा, लौट के रहूंगा आपके पास। लेकिन भाई साहब सुनिए, ये जो चांदनी चौक में जहाँ पर शिवानी खड़ी है ना, यहाँ लोग 5-5, 7-7 हजार की नौकरी करते हैं, पता है ना आप लोगों को, 5-5, 7-7 हजार की नौकरी करते हैं, 5 लाख का कमबोर्ड तो छोड़ दीजिए, 5 लाख कभी बैंक में जमा हो जाए ऐसा भी नहीं सोचते होंगे। आ रहा हूँ आपके पास। विद्यानाथ जी, आपके नाते इस देश के 99% लोगों को पता चला है कि 8-8 लाख के पर्दे भी होते हैं और 4-4 लाख के कमोड भी होते हैं, नहीं तो लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। विद्यानाथ जी, वादा तो था भ्रष्टाचार मिटाने का, लेकिन हुआ क्या है, भ्रष्टाचार में इतना आकंठ डूब गए हैं कि यह कहना मुश्किल है कि अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचारी रूप है या भ्रष्टाचार स्वयं ही अरविंद केजरीवाल के रूप में प्रकट हो गया। इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, क्या थोड़ा थोड़ा मन केजरीवाल की तरफ जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ तो नहीं जा रहे हैं आप? आम आदमी पार्टी कहिए और केजरीवाल कहिए, एक ही आदमी का उसके ऊपर आधिपत्य है और वो व्यक्ति इतना भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गया है जिसकी कोई सीमा नहीं। लेकिन मैं तो कहता हूँ हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को पारसी, हाँ सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है क्या अनुजा जी, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, तो इसमें कहने में क्या धोखा, क्या सोचना उसमें? आ रहा हूँ। सब साथियों से पूछना चाहती हूँ, ऐसा तो नहीं लग रहा कि पीडब्ल्यूडी, क्योंकि सत्येंद्र जैन के पास था, कहीं सत्येंद्र जैन ने ले ली हो, अब क्या बात हो, उसने कहीं लीक कर दिया हो और लीक कर दिया हो और लीक करने के बाद वो पूछ रहा हो। दूसरी बात, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 45 करोड़ का ये रैन बसेरा बनाने वाले लोगों के लिए और जनता के लिए खोल देंगे म्यूजियम की तरह। आओ मेरे भाइयों, मेरे घर में रहो, क्योंकि वो तो यही कहते हैं, मैंने अपने देश के
सीएम हाउस नंबर वन। ठीक है, एक चैलेंज सुनिए, एक चैलेंज मेरी तरफ से भी अरविंद केजरीवाल जी को, मेरी तरफ से। आप लोग इजाजत देते हैं तो मैं कर दूं भाई साहब, क्योंकि आपके बिना मेरी कोई विश्वास नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी, धरती पुत्र जो आपके घर के बहुत करीब होता है, धरती पुत्र और पुत्रियां जो आपके घर के बहुत करीब इस वक्त खड़े हैं, आप धरती पुत्र को दिखा दीजिए अपना घर, खोल दीजिए दरवाजा, वो काला सा जो बड़ा सा दरवाजा खड़ा है उसको खुलवा दीजिए। ये आम आदमी चाहता है, आम लोग चाहते हैं। एक सेकंड निकिता। हाँ जी, ये आम आदमी कब खास हुए हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। पहले कहते हैं सीट नहीं लेंगे, फिर सीट लेते हैं, गाड़ी नहीं लेंगे गाड़ी लेते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। सॉरी, मैं कुछ आंकड़े बोलना चाहूंगी। टोटल एक्सपेंडिचर 11 करोड़ किया है इंटीरियर डेकोरेशन पे, मार्बल फ्लोरिंग पे 6 करोड़। मैं थोड़ा तह में गई, मैंने पता लगाया कि मार्बल की एक्चुअली कीमत क्या है। सबसे महंगा जो मार्बल बिकता है अभी हमारे देश में वो है 750 से 800 रुपए स्क्वायर फुट मीटर। भाई साहब ने क्या किया, डियोर का मार्बल मंगाया वियतनाम से, क्या जरूरत थी ये 3 करोड़ का खर्चा। तो आप, आपके पास मुफ्त का चंदन नहीं आ रहा है ना कि घिस घिस के लगाती जाएंगी, और जिनके पास मुफ्त का चंदन आता है वो कितना ही माथे पर लगा लें क्या फर्क पड़ता है ना। मेरी दोस्त सहयोगी हिमांशु और सुनीता आर्या के पास मैं नहीं गया हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आप लोगों की प्यार की वजह से आज इस कार्यक्रम का वक्त मैंने बढ़ा दिया है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन वापस आएंगे। मेरे तमाम सहयोगी इस वक्त सरोजनी नगर से, चांदनी चौक से, इंडिया गेट से, और हिमांशु तिवारी हमारे साथ, लक्ष्मी नगर बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका है भाई साहब, देश भर के लोग रहते हैं, स्टूडेंट भी बहुत रहते हैं, उनके पास चलेंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे। तब तक आप लोग सोच लीजिए कि क्या बोलना है, क्या कहना है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि आप लोग तो आम आदमी है भाई साहब। आप सभी का भाई साहब रुक जाओ, ए हेलो 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 रुक जाओ, रुद्राक्ष वाले भाई साहब रुक जाओ, जरा धैर्य रखें, शांति बनाए रखें, शांति से सब कुछ मिलता है ना, और आम आदमी से भी सब कुछ मिलता है। किस किस को क्या क्या मिला ये भी पूछूंगा, बात करेंगे। मेरे सहयोगी हैं, जरा एक बार उनके पास चल लेते हैं। सुनीता आर्या इंडिया गेट पर, आपको पता है कि इंडिया गेट पर इस वक्त लोग घूमने आते हैं खूब, और ये जो लोग घूमने आए ना सुनीता, इन्होंने टाइम्स ऑफ नवभारत पिछले 4 दिन से छोड़ा नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है कि नवभारत जो है वो लगातार एक से बढ़कर एक और एक से एक ऐसे खुलासे कर रहा है जो कभी किसी ने सोचा नहीं था सपने में भी। लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनवाइए सुनीता। विद्या, यकीनन लोग बड़े हैरान हैं और ये जानना चाहते हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने 45 करोड़ रुपए का किया क्या। हम बात करते हैं, आप बताइए क्या सोचते हैं आपने जो ये सुना केजरीवाल के 45 करोड़ के बारे में। ये 45 करोड़ पूरा का पूरा वेस्ट किया है मेरा, मैं टैक्स भरता हूँ, मेरा पैसा बर्बाद कर रहा है ये आदमी, कुछ फायदा नहीं है, अपनी जेब का भरने का काम कर रहा है, कोई अच्छा नहीं हो रहा है। और आपके घर में कितने का पर्दा है? मेरे घर में भी 100 रुपए का भी नहीं है, और ये बंदा 1 करोड़ का पर्दे खर्च कर रहा है, मेरा टैक्स का पैसा गवा रहा है ये। उनके घर में 15 टॉयलेट्स हैं और 4-4 लाख का उनका एक एक टॉयलेट है। ये तो हो ही नहीं सकता, ये खुद बोलते हैं मैं अच्छा सिंपल रहना चाहता हूँ, लेकिन ये तो पैसा पब्लिक का पैसा बर्बाद कर रहा है। आप भी, और देखिए पीछे बहुत सारे लोग नजर आ रहे हैं, मैं आपके पास फिर लौट कर आऊंगा। हिमांशु, लक्ष्मी नगर में तो पूरे हिंदुस्तान के लोग रहते हैं, खासतौर से वहाँ पर स्टूडेंट्स रहते हैं बहुत बड़ी संख्या में, जरा उनसे पूछिए, बात कीजिए कौन क्या कह रहा है आज ऑपरेशन शीश महल पर। बिल्कुल बिल्कुल विद्या, ना जाओ, ऑपरेशन शीश महल जब से चला है तब से पूरे दिल्ली के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने करोड़ों रुपए के, मतलब 1 करोड़ रुपए के 28 पर्दे लगा दिए, क्या कहेंगे। बहुत गलत करा है इन्होंने, जो पब्लिक का पैसा है, इन्होंने पब्लिक का पैसा पब्लिक को देना चाहिए, इन्होंने अपने पर प्रयोग करा वो बहुत गलत करा। वादे किए थे कि कुछ नहीं लूंगा, सड़क पे रहूंगा, हमको तो छोटा सा मकान दे दीजिए जी, एक कमरे का नहीं आधे कमरे का दे दीजिए, लेकिन इतना बड़ा मकान, इतने सारे पैसे। शीला दीक्षित के पखाने तक घूम आए थे सर, आज आम आदमी के पास, कोई आम आदमी ये कह दे कि 10 लाख का, 11 लाख का, 12 लाख का टीवी होता है तो मैं कह दूंगा कि दिल्ली बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल सही, आप सही शासन चला रहे हैं, लेकिन 11 लाख का टीवी केजरीवाल ने आज दिखा दिया। जो 11 लाख का टीवी होता ही नहीं,
11 लाख का टीवी नहीं और उनके घर में 11 लाख का टीवी कहेंगे। देखिए यहाँ पर एक आम जनता भी है और देखिए यहाँ पर स्टूडेंट है, स्टूडेंट है यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या कहना चाहेंगे। भाई साहब नमस्कार, ये इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे आप कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है पर्दे लगवा दिए 1 करोड़ रुपए के, अंडे खा रहे हैं आप? अच्छा देखिए स्टूडेंट से बात करते हैं, स्टूडेंट भाई, अरे भाई सुनिए ना, अरे बात तो करो। देखिए ये जो इलाका है विद्यानाथ, ये यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स रहते, तमाम कोई बात नहीं। कुछ लोगों को ये भी मालूम होता है भाई साहब, आसपास नेता भी रहते हैं, कार्यकर्ता भी रहते हैं, थोड़ा संभल के भी बोलना होता है, नहीं यहाँ टीवी पर बोल देंगे एकदम, है ना, और वहाँ जाके पता लगेगा कि कोई पीछे से कपड़ा खींच के भाग गया, जैसे हमारे माइक को खींच के भाग रहे थे। क्या जी, कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से। वाह, जोरदार ताली बजा दो भाई साहब धरती पुत्र के लिए। हाँ, क्या कहना चाहते हैं दिल्ली के लिए? मैं दिल्ली के लिए सबसे पहले तो टाइम्स नाउ नव भारत आपके चैनल का शुक्रिया अदा करूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से एक खुलासा हुआ। अब समय है दिल्ली की जनता को जगने का, जगाने का समय है। ये वही केजरीवाल हैं जो बोलते थे कि हम आम आदमी हैं, हम बिल्कुल साधारण से मनुष्य हैं। 8 लाख रुपए के पर्दे, वियतनाम से आई हुई टाइल्स, और इनके टिकट कहां के होते हैं? बिजनेस क्लास के। इनके जो एक नेता है भगवत मान, वो यूरोप जैसे देश में हवाई जहाज में उल्टी सीधी हरकतें करते हुए पकड़े जाते हैं। ये कहां पे जा रही है आम आदमी पार्टी? क्या जिस झाड़ू को लेकर ये वोट मांगने आए थे ना, ये दिल्ली की जनता अब यही झाड़ू लेकर आम आदमी पार्टी को भगाने का काम करेगी। और केजरीवाल, आप समझ लीजिए, आप पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के हेड ऑफिस के बाहर गया, वहां पे लिखा हुआ था, बड़े बड़े पोस्टर कम से कम 50-60 लगे हुए हैं, वी मिस यू मनीष सिसोदिया जी। अरे आम आदमी पार्टी वालों, जो पुलवामा अटैक में हमारे भारत के सैनिक शहीद हुए थे, हमारे छत्रपति शिवाजी, वी मिस यू छत्रपति शिवाजी कभी नहीं लिखा, वी मिस यू आर्मी कभी नहीं लिखा, वी मिस यू भगत सिंह कभी नहीं लिखा। ये चोर है, केजरीवाल चोर है, आम आदमी पार्टी चोर है, और आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है। ठीक है, ये जनता कह रही है भाई साहब। अब बोलिए मिश्रा जी, जनता को सुन लिया ना आपने, वो क्या क्या कह रहे हैं, कितना गुस्सा भर गया है, क्योंकि आपने क्या कहा था, क्या किया, क्या ख्वाब दिखाए था, क्या सपने दिखाए थे। ऐसा लग रहा था कि हर आदमी के घर में 5-5 लाख रुपए का, 4-4 लाख रुपए का कम्बोर्ड लगेगा। भाई साहब बिल्कुल सही कह रही है, और जनता को चिंता होनी चाहिए, इनके कर का पैसा है, इनके टैक्स का पैसा है। लेकिन ये जनता यदि वाकई सीरियस है कि ये 45 करोड़ नहीं, अरविंद केजरीवाल की का जो मकान बना है वो पीडब्ल्यूडी के किसका बना है? मिश्रा जी का बना है, पूरा बात बोलने देंगे? मिश्रा जी का बना है, पूरा बात बोलने देंगे? दिल्ली कह रहे किसका बना है? अनुजा नहीं, अनुजा का बन गया क्या? विद्यानाथ जागरण का बन गया? किसका बन गया? बात 30 करोड़ रुपए में बना है, लेकिन इसी दिल्ली में एक एलजी साहब रहते हैं, एलजी साहब के मकान का रेनोवेशन में 15 करोड़ रुपया लगा। भाई साहब एलजी साहब कभी गए थे अन्ना के आंदोलन में? कभी आम आदमी आम लोगों को बोला था कि आम आदमी की तरह रहूंगा, वेगनार में चलूंगा, 4 कमरे का फ्लैट होना चाहिए, कभी कहा था? कभी क्या? आपके सम्मानित चैनल के माध्यम से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को एक बात कहना चाहता हूँ, सुन तो लो, आग्रह सुन लो मिश्रा जी। 15 करोड़ रुपया एलजी के मकान के रेनोवेशन पे जनता चिंतित है। ये जवाब है? नहीं, ये जवाब है। 45 करोड़ का जवाब ये है क्या? अरे मुझे ये बताओ, 45 करोड़ का जवाब है एलजी, एलजी साहब जवाब है क्या? फिर बोलेंगे कि मेरे पास आते ही नहीं है। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, 3 बार मुख्यमंत्री, 1 बार केंद्रीय मंत्री रहे, बोले बस बालशास्त्री जी के घर के ऊपर छत नहीं है, केजरीवाल जी वहाँ जाए देखें मुख्यमंत्री और ईमानदारी क्या होती है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डर गई हुआ हो? अरे डर गई भाई साहब, कितने डराओगे अब? जनता को डराइए मत, जनता को डराइए मत, जनता को डराइए मत। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, इनके पास, आपके पास कोई डिफेंस नहीं है अभी अपने अगेंस्ट। अरे भाई साहब यहाँ जाओ। अच्छा, आपका जवाब यह है कि प्रधानमंत्री जी क्या है? अपनी पार्टी का डिफेंस किया नहीं जा रहा, बट प्रधानमंत्री पे लाछन लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी है, कहते थे 4 बेडरूम के कमरे के घर में रहेंगे, सादगी के सबस बात दिखाए। एक्चुअली एक बात बताना चाहती हूँ, घर के रेनोवेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर अगर उसकी छत गिर रही है, 1942 का बना हुआ घर था, घर को सेट करने में कोई गलती नहीं है। लेकिन जो खर्चा किया, जिस खर्चे की एलोकेशन थी और जितने का इन्होंने खर्चा किया, उससे परेशानी है। और अब मुकर रहे, और अब सच नहीं बोल रहे, धोखा हुआ है हमारे साथ।
तुलनात्मक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल तुलनात्मक नहीं है। इसमें राहुल जी मैं बता रहा हूँ, सब कुछ आप ही लोग बोल लेंगे, क्या हम पत्रकार हैं इसका मतलब क्या बैलेंस करते रहेंगे? भाई साहब बैलेंस करने वाला जमाना गया। सच बोलूंगा, सच बोलूंगा, सुनने की हिम्मत है तो खड़े होकर सुनिए। हाँ मैं एक कवि हूँ और मैंने केजरीवाल जी के लिए कुछ लिखा है, बस वो बोलना चाहूंगा। दिल्ली की जनता करे पुकार, कहाँ छुपाया कट्टर ईमानदार, केजरीवाल जवाब दो, 45 करोड़ का हिसाब दो, गजब कर। आगे सुनना, अच्छा लगे तो समर्थन करना, नहीं लगे तो नहीं करना है, बिल्कुल मत करना। अगर मैंने सच लिखा हो तो समर्थन करना। गजब का तेरा जलवा है, अलग ही तेरा गर्दा है, 8 लाख का घर तूने लगवाया सिर्फ पर्दा है, जहाँ देश में हजारों लाखों का भरता नहीं है पेट, वहीं दिल्ली के राजा तूने बिछवाया 20 लाख का कारपेट। सुनिएगा, जब देश में महामारी छाई थी, जनता में त्राही त्राही थी, ऑक्सीजन की कमी से हजारों ने जान गवाई थी, उस समय तुम अपना महल कैसे बनवा रहे थे, जनता में फ्री की शराब बंटवा रहे थे। आगे सुनिएगा, अंतिम दो लाइनें हैं। कैसा तेरा ईमान है ये, कैसी ये तेरी ईमानदारी है, दिल्ली के राजा तू तो एक नंबर का भ्रष्टाचारी है। मिश्रा जी जवाब देना। ठीक है, हाँ जी बोलिए, इनसे पूछे। आपको नहीं बोलना, हर बार नहीं सबको बताती हूँ। पॉलिटिशियंस सारे जैसे ही होते हैं। आप ये देखिए कि केजरीवाल ने गरीबों के लिए क्या किया है, बसेस फ्री हैं, लेडीज के लिए बसेस फ्री हैं, बिफोर दैट डीटीसी बसेस वर अनसेफ, लड़कियों के साथ बकायदा बदतमीजी होती थी, वहाँ पे प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, कैमराज लगाए हैं जिनकी वजह से जो क्राइम्स होते हैं वो पता चलते हैं कि क्राइम हुए हैं, रिकॉर्ड साबित होता है कि हाँ रिकॉर्ड है ये। ठीक है, एक पहले साइड हो जाओ, पहले बोलने दो उनको, आप पूरी करो बात। हाँ, तो कैमराज आर देयर, जो अगर फॉर एग्जांपल रेजिडेंशियल एरियाज में जहाँ पे तो आप लोग खुश हैं कि वो 45 करोड़ रुपए उड़ाए तो क्या फर्क पड़ता है, कैमरे तो लग गए। और उसके बाद किसी ने ये पूछा कि जो नरेंद्र मोदी जी है करोड़ों रुपए के कपड़े पहनते हैं, करोड़ों रुपए के चश्मे। नहीं, सवाल ये नहीं है कि आप कितने का कपड़ा पहन के आई और मैं कितने का, और अनुजा जी के पास पैसे है तो 5 करोड़ का कपड़ा पहन ले, सोने का कपड़ा पहन ले, अपने पैसे का पहन ले भाई साहब, लेकिन कहेंगे कुछ और करेंगे। आ रहा हूँ करुणा। देखिए सबसे बड़ी बात है, आज जो मेरी एक बहन इतनी बात कह रही है, बात जो आक्रोश है लोगों में, आक्रोश इस बात का है कि ये वो पार्टी थी जिसने इस बात का दावा किया था कि सब करप्टेड हैं, बीजेपी करप्ट है, कांग्रेस करप्ट है, सब करप्ट है, और मैं इसको चेंज करूंगा। और चेंज करते करते आम से आप खास हो गए और आप बात करने लग गए, और आपने उसी दौरान लेकर केस भी आपने चालू किया ताकि मैं वहां से पैसा खींचूं और अपने में लगाऊं और इलेक्शन में भी लगाऊं, अपने घर पे भी लगाऊं। तो आप ये बताइए, आंगनबाड़ी का पैसा इन लोगों ने खा लिया, गेस्ट लेक्चरर से उनका पैसा खा लिया, वॉलेंटियर गेस्ट टीचर से उनका पैसा इन्होंने खा लिया, डॉक्टर्स का पैसा खा लिया, नर्सेज का पैसा खा लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल नहीं लग रहे, वहाँ पे ये लोग फंड नहीं दे रहे, वहाँ का पैसा खा लिया, पॉल्यूशन कितनी है बताइए, वहाँ का पैसा खा लिया। अरे अरविंद केजरीवाल कितनों को खाओगे, खा खा के पेट तो ऊंध निकल गई है, कितनों को खाओगे, आपका ये हाल हो चुका है। पूरा कर दो, देखिए जो मुद्दा आप उठा रहे हैं मैं उस मुद्दे के गंभीरता को कम नहीं कर रहा हूँ। ऑपरेशन शीश महल आप उठा रहे हैं, पारदर्शिता होनी चाहिए, जनता को पता होना चाहिए, लेकिन इसमें सवाल पूछने का अधिकार, कोई नैतिक अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है, जो एक तरह से हमेशा 5 स्टार कल्चर में विश्वास करती है वो तो सवाल पूछ भी नहीं सकती है। अरे आपने तमाम जो कार्यालय बने, तमाम जो चीजें बनी, अरे बीपी बढ़ाने की बात नहीं है आप, और भाई शिवराज सिंह चौहान के मकान में कितने खर्च हुए, दूसरे मुख्यमंत्रियों के घर में कितने खर्च। भाई साहब मुझे रह गुजर से गिला नहीं, तू ये बता तेरी रहबरी का क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ बताओ ना, है क्या हुआ भाई साहब, कहाँ खर्च कर दिया भाई? केजरीवाल के आर में, इस भ्रष्टाचार के आर में, आप पीएम केयर फंड को जो आपने फ्री कर रखा है ना, आप समझ रहे हो, और अडानी का 20,000 करोड़ भी भूलने नहीं देंगे, सवाल तो पूछते रहेंगे। सवाल आम आदमी उठा रहा है, आम आदमी जिसके बल पे ये पार्टी बनी थी, सवाल आज बीजेपी का नहीं है, सवाल ये है कि आम आदमी जिसने आपको वोट दिया, जिसने आपको सपोर्ट दिया, आपकी जो बेस थी, जो फैन फॉलोइंग थी, उसको आज सवाल ये है कि आप आम आदमी बनकर आए थे ना,
और आपने वादा किया था कि आम आदमी बंद कर रहेंगे। सवाल यह है कि जब पूछा जा रहा है, तुमने वादा किया था कि जनता के गाड़ी कमाई का दुरुपयोग नहीं करेंगे, बड़ा बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, सुरक्षा व्यवस्था बड़ी नहीं लेंगे, आज तुमने वादा तोड़ा है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कांग्रेस कर रही है कि तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। हाँ, तुलनात्मक अध्ययन होना चाहिए। केजरीवाल के लोग भ्रष्टाचार में जेल के अंदर है और कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पे है। इन दो भ्रष्टाचारियों की तुलना होना चाहिए। और विपक्ष पर आवाज उठाते हैं, नहीं मैं कह रहा हूँ, इनकम टैक्स और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्ष को बदनाम करने की साजिश कर्नाटक में। अगर प्रश्न होता तो नहीं, फिर तरी बार और फेंकू बोलूंगा, प्रश्न नहीं। आप बात, आपको जवाब देना होगा 20,000 करोड़ का, अडानी पर जवाब देना होगा। हो गया। ये सांप लड़वाने का खेल नहीं हो रहा भाई साहब। यहाँ एक बात आपको बता दूं, इस आदमी की बदमाशी देखिएगा जरा, हर ऑर्डर जो इसने निकाला 10 करोड़ के नीचे निकाला, नीचे 9 करोड़ 9.25 करोड़, 9.5 करोड़। क्यों? क्योंकि 10 करोड़ के ऊपर एलजी के पास फाइल जाती है, चीफ इंजीनियर के पास जाती है। अब फंस गए ये 10 करोड़ के नीचे। और ये जो तुलनात्मक बात करते हैं, अरे यही गलती करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। क्या बात है, क्या बात। अब जरा आप लोग भी अपना अपना आईना साफ कर लीजिए, अब देख लीजिए कि चेहरे पर धूल है या शीशे पर है। आज बस आज तो देखिए, आप लोगों की प्यार की वजह से वक्त हमने बढ़ाया था कि आज बातें थोड़ी लंबी कर पाए। हाँ, जल्दी से बता दीजिए जी, पार्टी सारी करप्टेड है, ये सारे एक अपनी अपनी पार्टी को डिफेंड करेंगे, इन्हें भी पता है। ठीक है, हाँ मिश्रा जी चलते। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कारवा कैसे लूंगा। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मुझे रह गुजर से अख्तियार नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है, तेरी रहबरी का सवाल है। चलते जोगीरा के पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डालेंगे सुरक्षा गार्ड